हेलो स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच का ये चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेफिनेशन से पहले करवाई जा चुकी है, एक्सरसाइज का रिवीजन ये आपको करवा रहा हूँ। आप लोग सेंटेंस नोट करते जाएंगे और उसके लास्ट में अभी आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर हम केवल समझाएंगे आपको। जैसे द मैन इन द केव had the strength of 1,000 elephants. ये sentence हमने लिखा, द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिमेंट। यहाँ आपको आंसर, हम आंसर लिखेंगे नहीं, केवल बता देंगे और बाद में आप लोग लिख लेना। द मैन इन द केव, जो गुफा में व्यक्ति है, हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिमेंट, 1,000 हाथियों का बल है उसमें। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है, इसलिए ये हाइपर बोल होगा इसमें। सेकेंड, द टी आइस पोल चाय बर्फ की तरह ठंडी हो नहीं सकती, इसलिए ये भी हाइपरबोल है। तो हाइपरबोल की डेफिनेशन क्या हुई, इसमें तो आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता दिया गया था और भी बहुत घटा के बता दिया गया। तो इन हाइपरबोल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड हायर और लोअर फ्रॉम हिज रियल पोजिशन। जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है किसी भी चीज की पदार्थ की, उससे या तो बढ़ा करके या फिर घटा करके प्रदर्शित किया जाता है, बहुत घटा करके, बहुत बढ़ा करके। नेक्स्ट नंबर, द मोर फास्ट द मोर फास्ट द लेस स्पीड। इसमें दो चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिल रही है, तो सेंटेंस देखिए, करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसा अक्सर आता है कि जब द मोर, यहाँ मोर के पहले द लगा है तो यहाँ लेस के पहले भी था, यानी कंपरेटिव डिग्री यहाँ पर भी, कंपरेटिव डिग्री यहाँ पर भी, तो दोनों जैसे भी एक ऐसी होती है, दोनों के पीछे द आता है। करेक्ट इनकरेक्ट में अक्सर ऐसा सेंटेंस होता है। और अब फिगर ऑफ स्पीच में आइए, द मोर फास्ट, जितनी आप शीघ्रता करते हो द लेस स्पीड, उतनी ही स्पीड कम हो जाती है। तो इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ये है आपका ऑक्सीमोरन। यहाँ आप उसके आंसर नोट करते जाइए। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा आशा गरीब व्यक्ति की रोटी है। अब यहाँ आप क्या देखेंगे,
कि आशा को क्या बताया जा रहा है, गरीब व्यक्ति की रोटी, यानी तुलना की जा रही है दो से, आशा से और रोटी से, लेकिन तुलना करने के लिए लाइक है शब्द का यूज नहीं किया जा रहा, इसलिए ये मेटाफर है। आशा ही गरीब व्यक्ति की रोटी है। अब आप कहोगे पर्सनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आशा और रोटी, ना ही आशा सजीव है ना ही रोटी सजीव है, इसलिए ये पर्सनिफिकेशन नहीं होगा। फाइव नंबर, फ्रेंडली फ्रेंडली लाइन में भी वुमेन, फ्रेंडली लाइन में भी वुमेन, कमजोरी, फ्रेंडली मीन्स कमजोरी, तुम्हारा ही नाम औरत है, यानी संबोधन किया जा रहा है। संबोधन कैसे समझ में आता है, अगर कोई संबोधन है और इसके बाद सब्जेक्ट भी है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो जो संबोधन होता है वो सेम सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर संबोधन के साथ सब्जेक्ट भी पूरा होता है, तब उसे समझते हैं कि ये संबोधन है, अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी, संबोधन। ये सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है कि बाकी सेंटेंसों में तो आपको ऐसा निशान लगा मिल जाएगा, तो आप समझ लेते हैं उससे कि यह अपोस्ट्रोफी है, लेकिन इसमें आपको कॉमा लगा है यहाँ पर और संबोधन भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट सेंटेंस है अपोस्ट्रोफी। It is sitting. An actually is sitting on her face. Chinta. An actually chinta. Is sitting बैठी है उसके चेहरे पर। वर्ब देखें, वर्ब है बैठी है, तो बैठना तो सजीव ही करता है, तो चिंता को बैठा दिया गया, तो चिंता को यहाँ पर पर्सनिफाइड कर दिया, इसलिए ये पर्सनिफिकेशन हो गया, चिंता को सजीव मान लिया गया, चिंता उसके चेहरे पर बैठी, चिंता को बैठा दिया गया। तो पर्सनिफिकेशन में आपको ये समझना है, एक बात हमें समझ में आ गई कि पर्सनिफिकेशन में, ये तो आपको पहले से पता था कि किसी भी वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, लेकिन सजीव माना कैसे जाए, कैसे पता चलेगा कि आपको सजीव मानी गई, वो वर्ब से पता चलेगा। अगर वर्ब इस तरीके की है जो केवल सजीव के लिए ही यूज की जाती है, तो वहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये पर्सनिफिकेशन है। सो एन एक्सटी इज पर्सनिफाइड एज ए लिविंग थिंग। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ऊपर लिखे is the best teacher. An expert is sitting
इसके माध्यम से मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ कि ये यहाँ पर जो लिंकिंग बन रहा है एज और इसमें आपकी लिंकिंग वर्ब है इज, दोनों में ही लिंकिंग वर्ब इज है। फिर यहाँ पर संबोधन अलग किया गया है और यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं, मैन वर्ब चूंकि यहाँ पर, तो हमने अभी जो बताया था आपको कि जब ऐसे वर्ब हो जो कि वर्ब सजीव के लिए ही आती है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये बैठी है और बैठना सजीव के लिए होता है, इसलिए हमने इसको मान लिया कि ये पर्सनिफाइड हो गया। लेकिन इसमें ऐसी कोई वर्ब नहीं है, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ये लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि एक्सपीरियंस को ही अध्यापक मान लिया गया है। यहाँ पर चिंता को सिटिंग नहीं मान लिया गया है, वो काम करवा जा रहा है इससे, लेकिन यहाँ पर ये सीधा सीधा इसको बता दिया जाता है, तो इसमें मेटाफर भी है, हम केवल ये बताना है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर मेटाफर भी है और यहाँ पर पर्सनिफिकेशन भी है। आपको थोड़ा कंप्रीजन समझ में आए, ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस को दोनों देख लीजिए, बिल्कुल सेम लिखा है हमने, लेकिन बस थोड़े अंतर ये है एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है और यहाँ पर वह है परिवार का स्टार है, वहां पर एक्सपीरियंस सजीव नहीं था और उसे सजीव बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वह खुद ही सजीव है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन नहीं होगा। तो फिर जो ऊपर उसमें दो थे मेटाफर, तो उसमें भी मेटाफर ही होगा। ही द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का तारा है, तो यहाँ उसकी तुलना करी जा रही तारे से, लेकिन जो तुलना बताने वाले शब्द हैं लाइक एज सो वो यूज नहीं कर जाते हैं, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाता है, यहाँ पे मेटाफर। कैमिल इज द शेप ऑफ डेजर्ट, कश्मीर इन द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया,
काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, काश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है ये, तो ये भी मेटाफर है। और एक जीके का क्वेश्चन भी है, आप तैयार कर लीजिए, काश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इसी को अगर हम सिमिली बनाएं तो काश्मीर इज लाइक द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय वाज द लाइन ऑफ द पंजाब, ये कुछ सेंटेंस हम आपको जो समझा रहे हैं अलग से, ये आप ना लिखें लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। लाला लाजपत राय वाज द लाइन ऑफ द पंजाब, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। मेटाफर और क्या शेर थे ये, तो फिर हाइपरबोल भी है, मेटाफर भी है, कभी कभी एक ही मेन लाइन में कई अलंकार हो जाते हैं, तो ये दोनों ही है यहाँ पे। योर्स इज अ लेम एक्सक्यूज, योर्स इज अ लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज, लेम और एक्सक्यूज यानी झूठी माफी या अनमने, माने दिल से नहीं माफी, दिल से ना मांगना, लेम एक्सक्यूज, तो मतलब माफी भी मांग रहे और वो भी झूठी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये विरोधाभास है, ऑब्जी मोरन, ये भी ऑब्जी मोरन है यहाँ। और ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह है अपराधी है लेकिन इनोसेंट है, यहाँ पर भी ऑब्जी मोरन। एंड फ्रॉम द स्काई, कभी कभी दो लाइन के होते हैं, उनको देखें, जिले के जो जितने दो लाइन के होते हैं बहुत सरल होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतर एंड फ्रॉम द स्काई सीरेन एंड फार अ वॉइस फेल लाइक ए फॉलिंग स्टार, ये अधिकतर ये पोएम की पंक्तियाँ ही होती हैं, जो दो लाइन के होते हैं तो ये पोएम की पंक्तियाँ होती हैं, और पोएम दो लाइन में इसलिए लिखनी पड़ती है कि एक लाइन में उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो सेंटेंस पूरा करना पड़ता है हमें, इसलिए अधिकतर दो लाइन में होती है। और ये बारीकी से देखेंगे तो इसमें अधिकतर सिमिली होता है, अगर सिमिली नहीं है तो दूसरे नंबर पर मेटाफर होता है अधिकतर। आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग बताएं, अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, इसमें चूंकि सिमिली है, लाइक लगा हुआ है, आपको पता है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जंगली न्याय यानी कठोर न्याय कह दीजिए, बदला, रिवेंज माने बदला लेना, बदला लेना एक प्रकार का जंगली न्याय है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें तो बदला लेना है, अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम क्या ना करेंगे, न्याय कहाँ से अन्याय हुआ, ये भी तो न्याय है, जैसे को तैसा, लेकिन इसको जंगली न्याय कहा, तो ये क्या है, ये मेटाफर, लेकिन मेटाफर के साथ एक और भी है, इसमें वाइल्ड और जस्टिस दो विरोधी शब्द हैं, ऑब्जी मोरन भी, वाइल्ड माने जंगली अर्थात असभ्य, वाइल्ड माने असभ्य भी कहते हैं हम, और जस्टिस माने तर्क संगति न्याय, तो दोनों ऑब्जी मोरन भी होगा।
अगर आप एक भी लिख एक ही लिख देते हैं तो आपका सही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि एक अगर था आपने एक नहीं लिखा तो गलत नहीं, एक ही माना। लव इज ब्लाइंड क्या है? बिल्कुल पर्सनिफिकेशन है। नहीं होगा मेटाफर, इसलिए नहीं होगा मेटाफर, नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ ये लव इज ब्लाइंड आपने क्या, पर्सनिफिकेशन निश्चित है क्योंकि यहाँ लव को ब्लाइंड मान लिया गया है, उसको ब्लाइंड क्योंकि सजीव होता है उसलिए उसको सजीव मान लिया गया। अब आपने कहा मेटाफर, तो मेटाफर में दो चीज़ों की तुलना होनी चाहिए, इसमें तुलना है ही नहीं, इसमें तो एक सेंटेंस है इसलिए मेटाफर नहीं है। एक चीज को किसी के समान बताओगे ना तो वो समान तो है ही, उसको तो वही बता दिया गया इसलिए। तो अधिकतर जो सेंटेंस है भ्रमित करने वाला है, या आप भ्रमित ना हो बिल्कुल, लव इज ब्लाइंड ये आपका पर्सनिफिकेशन ही है। और एक लास्ट लेसन, लास्ट सेंटेंस और मैं आपसे पूछ लेता हूँ बस। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, कौन सा होगा? ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया, अरब की पूरी परफ्यूम्स खुशबू विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को खुशबू खुशबूयुक्त नहीं कर सकती। हाइपरबोल बहुत बड़ा चढ़ा करके किया है, अरे एक बूंद डाल दो हाथ महक जाएगा, पूरा कमरा महक जाएगा। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए, थैंक यू, जय हिंद।